सबको मैं नमस्कार करता हूँ। तो कुल मिला के बहुत यादें हैं वैसे तो चंडीगढ़ की। ये देखिए, हमने बात की और देखो सेक्रेटरी साहब के लिए माल आना शुरू हो गया। जब हम अन्नू मलिक को अन्नू कहते थे, अन्नू सब अन्नू जी कहते थे, तो अचानक हमसे एक दिन जावेद जी ने पूछ लिया कि आपकी कमाल की हिम्मत मानता हूँ कैलाश जी में। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं। कौन से सब कह रहे हैं आदि शिव का वंदन किया करो, आज शिव का वंदन किया करो। अगर बम 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 लहरी बम 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 डबल मजे लेने वाले भी यहाँ हैं कि हमारे ड्रमर्स जो हैं उनका कोई एक नट ढीला हो गया। इतनी जल्दी हम नहीं जाएंगे कि पहले वक्त नहीं था और अब वक्त नहीं है। फिर भी नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, फिर भी नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे वो कहता रहा मगर। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। नमस्कार दोस्तों, तब मैं नागेक्स बोंग और आपको आज एक एक्साइटिंग जर्नी पे लेके जा रहे हैं। हम जा रहे हैं चंडीगढ़ के कॉर्निवाल में जो हो रहा है सेक्टर 10 में, और इस बार कॉर्निवाल की थीम है कैंडी थीम। और हमारे इस शो पे आए हैं आज कैलाश खेर, जो आप देख सकते हैं। तो इनके साथ हम देखेंगे आज इनका शो, एंजॉय करेंगे और आपको भी दिखाएंगे जो दिखा पाएंगे, और आपको घुमाएंगे आज पूरा कार्निवल, पूरे मजे करवाएंगे आज हम, और कैलाश खेर जी का पूरा शो आज हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक, थैंक यू। और एक्सप्लोर करते रहिए कि आज क्या होगा कार्निवल में और क्या होगा आगे के शो में। चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों हम पहुँच गए हैं चंडीगढ़ कार्निवल में और मूव ऑन कर रहे हैं, तो दिखाते हैं आपको क्या सीन है यहाँ पे, क्या हो रहा है, और चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हम आ चुके हैं कार्निवल में और आज जैसे देख ही रहे हैं बहुत सही कैंडी थीम थी इस बार। तो देखिए आप, बहुत सुंदर सजा हुआ इस बार, और अभी वहाँ पे स्टेज सज चुकी है कैलाश खेर जी के लिए, जिनके लिए हम आए हैं स्पेशली। तो चलिए देखते हैं, आपके साथ घुमाते हैं आपको भी कार्निवल लक्ष्य। सो बेसिकली दोस्तों, ये जैसा नॉर्मल मेला होता है यार, अपना उसी टाइप का है। एंड देखो यहाँ पे वही यार मेले वाली गेम्स जो होती हैं, some kind of those things, it's not that big jitna maine expect kiya tha। There is also a booth bung line here, and normal wahi hai yaar, jo bachpan mein mele mule ki jo items hoti hain। So the main attraction of today is Kailash Khair only, ki food items hain bahut sare, counters lage hain। बहुत सही है, स्टेज तो ठीक लग रहा है, बाकी अभी साउंड चेक वगैरह हो रहा है, आफ्टर दैट आगे होगा। ढोल चाटियन बाया इज योर सैंपलर। Please show some love to Chandigarh Tourism presents Chandigarh Carnival Lonely singer, lyricist, composer Padam Shri Awadhi. He's also won so many Filmfare awards and he's performing here with the band Kalasa. And now I'm going to introduce you the one and only, please everyone put your hands together for Padam Shri Kailash Khair. Come on everybody.
आपको मैं नमस्कार करता हूँ। वैसे तो हमको बताया गया था कि 7:30 को लगभग हम स्टेज पे होंगे, लेकिन कहते हैं ना, जब बहुत प्यार होता है जहाँ, वहाँ कुछ परीक्षाएं भी होती हैं। तो मेरे दाता ने आज ऐसी परीक्षाएं ली कि अपना जो पुष्पक विमान था पहले, उसको ही थोड़ी देर घुमाया हवाओं में, और उसके बाद सुबह के चले हुए 5 बजे के भैया हम उठे हुए हैं संदीप जी, और तब से उड़ ही रहे हैं। दह पेलम पेल, मेरे बाबा ऐसे हमको उड़ा रहे हैं कनकव्वे की तरह। और बस जैसे ही सीधा, बॉयज ने तो कपड़े भी यहीं पहने हैं, जो भी जैकेट वैकेट आप देख रहे हैं, सीधे यहीं आए एयरपोर्ट से साउंड चेक होते होते। और बहुत सारी ऑडियंस ने तो साउंड चेक के भी मज़े लिए होंगे। तो कुल मिला के बहुत यादें हैं वैसे तो चंडीगढ़ की। जब जब हम यहाँ परफॉर्म करते हैं अपने 17 साल के करियर में, बहुत ही गजब यहाँ के सुनकार हैं, यहाँ के लोग बहुत सुंदर हैं, और जो पुरुष वर्ग है वो तो एक तो दवाई के भी पैग लगा के आते हैं, तो उनकी फिर उनकी रौनक अलग होती है, उनका कॉन्फिडेंस बदल जाता है जी। तो ये दिन बड़े प्यारे दिन हैं। ये देखिए, हमने बात की और देखो सेक्रेटरी साहब के लिए माल आना शुरू हो गया। मेरे दाता बिखेरते हैं, तो असली दाता के रूप तो अभी आप ही हैं, और आप ही को सब कहते हैं जी, करने वाले से कराने वाले की ज्यादा तारीफ होती है। तो कराने वाले अब आप हैं, क्या क्या जादू कराना है। तो ऐ मेरे खड़े हुए लोगों, बैठे हुओं से मेरी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बैठे हुओं को परमात्मा ने आशीर्वाद दिया कि तुम VIP की फीलिंग लो लेकिन जो खड़े हुए हैं हमारी तरह, वो जरा नाचे।
अगर आप आने वाले गायकों के लिए एस्पायरिंग सिंगर्स के लिए व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट, तो उनका भाई देख मैं सजेशन के पैसे लेता हूँ, लेकिन चल तू इतनी श्रद्धा से बात कर रहा है तो मैं बता देता हूँ, कोई भी अपकमिंग कोई भी म्यूजिशियन हो उनके लिए एक ही सलाह है कि ऐसे गाओ जैसे पेमेंट मिल गई हो, तो फिर मुंह लटका हुआ नहीं रहेगा, बंदा ऐसा गाएगा भाई हाँ हो गई है काम। मुख पे डारे खुसरा घर अपने सांझ भई चहूं देश। ये फालतू की बातें मैं क्यों कर रहा था बता आपको, क्योंकि हमारे ड्रमर्स जो हैं उनका कोई एक नट ढीला हो गया उनके ड्रम का, तो इसलिए मैं क्या तब तक हम थोड़ी फालतू की थी। क्या होता है गहरी बातें सब संसार कर रहा है, ज्ञानी बहुत हो गए हैं ध्यानी बहुत कम है, तो थोड़ी फालतू की बात जब करते हैं तो अब मन का बालक जाग जाता है, तो इसलिए आपको थोड़ा जगाया जा रहा है। और इसी प्रकार से जितने भी आप लोग हैं ऐसे ना खड़े रहिए जैसे टीवी देख रहे हो, टीवी नहीं है, दिस इज कॉल्ड कैलासा लाइव इन कॉन्सर्ट, सजीव जीवंत लगना चाहिए कि हाँ जीवंत कुछ हो रहा है, जीवंत लोगों के लिए हो रहा है। वो साइड से कह रहे हैं हीरे मोती हीरे मोती, तो कई बार इतनी बड़ी बात कोई कह रहा है तो एकदम ध्यान जाता है, जी हीरे मोती जी हीरे मोती, मैं क्या जी लेके आए हो या लेने आए हो चलो हंसे तो कम से कम आप, देखो कहते हैं कि जो हंसे वो कहीं ना कहीं फंसे, क्योंकि हम ही अकेले काहे फंसे, जानिया दिल मेरा ढोलना तेरे बिन नहीं लगदा, दिल मेरा ढोलना तेरे बिन नहीं लगदा, दिल मेरा ढोलना तेरे बिन नहीं लगदा, दिल मेरा ढोलना जानिया हानिया मेरे। Oh, oh, oh.
Thank you.
साहब का, हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट सर का नाम आ रहा था। अच्छा, नाम बहुत देर तक मैंने ट्राई भी किया पढ़ने का, लेकिन लंबा इतना है कि पूरा नाम मैं यहाँ बैठे हुए हमारे डिपार्टमेंट के लोगों से भी बोलूँगा अगर पूरा नाम साहब का एकदम कोई बता दे तो। मेरे जैसे बहुत ही भोले लोग हैं इस दुनिया में, तो मैं कैसे बचता हूँ सर आप जैसों के सामने। विजय जी पूरा नाम लेने की जरूरत है नहीं, वो पहले में जी इतनी लगा दो विजय जी एकदम पिघला जाए कि कोई नहीं यार हमारा लंबा नाम नहीं लेता, लेकिन जी इतने लगा देता है कि बस। जबकि अभी जो गाना गा रहे थे इसमें हम पहले ही कह चुके हैं तेरे नाम से जी लूं। हुआ क्या सर, 2007 या हमारा करियर तो साहब शुरू हुआ है 2006 से हुआ है असली में। 2004 में तो अल्लाह के बंदे आ ही गया था, लेकिन असली करियर हुआ शुरू 2006 से। 2006 के एंड में ही हमें इंडियन आइडल में जज बना दिया। अच्छा, तजर्बा कुछ है नहीं, आइडिया कुछ है नहीं, लेकिन एक्ट ऐसे करना है जैसे सब कुछ आता हो। क्यों? क्योंकि हम दिल्ली के हैं। इफ यू बिलोंग टू दिल्ली यू हैव टू एक्ट एज दो यू आर द परफेक्ट फॉर एवरीथिंग। ऑलराइट, तो वो भी हमें धर्म निभाना था दिल्ली का, तो हम एक्टिंग ऐसे करते हैं जैसे ओह मैं तो बड़ा एक्सपीरियंस्ड हूँ जी, पहले से जज करता आया हूँ धरती को। तो कहानी फिर ये हुई, वहाँ पे हमारे कुछ फ्रेंड्स थे
जब हम अनु मलिक को अनु कहते थे, अनु सब अनु जी कहते थे, तो अचानक हमसे एक दिन जावेद जी ने पूछ लिया कि आपकी कमाल की हिम्मत मानता हूँ कैलाश जी, में आप सभी अनु को अनु जी कहते हैं और आप अनु अनु कहते हैं। इनका सर क्या हुआ, मैंने शुरू में ये गाना गा के क्लियर कर दिया, तेरे नाम से जी लूं। इनका हमने जी पहले ही हटा दिया है सबके नामों में, तो इनका थोड़ा प्रेम वहीं होता है जहाँ ये फॉर्मेलिटी कम हो। तो बहुत खुश हुए जावेद साहब इस तरह की बात सुनकर भी।
Oh,
चरण दबा तुम्हें जो छोड़ू तो मर जाऊं तुम्हें जो छोड़ू तो मर पहली बार सुना कैंडीलैंड। हम सोच रहे थे सर जिनको काम नहीं देना होता ना, हम लोगों से जो मीटिंग करने आते हैं उनको हम कैंडी दे देते हैं ऑफिस में, ये हैव ए कैंडी, हैव ए कैंडी करके बाद में हम बहुत दुखी होते हैं, यार कितने जलील लोग हैं हम। मैं ना जाने
तो तेरी तू है मेरा मैं ना जानूं तू ही जाने मैं तो तेरी तू है मेरा मैं तो तेरी दोस्तों इसी के साथ खत्म हो गया है। कैलाश खेर ने बहुत रौनकें लगाई, मजा बड़ा जबरदस्त था। शंभू, बमलहरी, आदि योगी, इनका साउंड चेक भी इन्होंने काफी देर किया और लाइटिंग वाज वेरी नाइस और काफी अच्छा था और एनर्जी बंदे में पूरी थी जिसके लिए हम आए थे। बहुत सही रहा, बहुत मोटिवेटेड था। मजा भाई आप बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत जबरदस्त था मेरा, बस ठंड की वजह से हमारी एनर्जी डाउन होगी तो इसलिए चाहिए थोड़ा। ये था कि हम भी आगे उसमें सिटिंग वाले में बैठे हुए थे और आपको पता है जब बैठे बैठे वो वाला फील नहीं आता जो खड़े होके डांस करते जो आता है, पर जो भी है मजा बहुत आया हमको गा के। पूरी एनर्जी से हमने भी गाया और आपको भी दिखाएंगे कुछ कुछ क्लिप्स। बीच में लोग बहुत थे तो इतनी अच्छी वीडियोज बन नहीं पाई, लेकिन जो भी बनी है साउंड तो सही रहेगी, आपके भी जोड़ेंगे इसके साथ। और सही रहा आपने एक्सपीरियंस, तो ट्यून विद अस नाग एक्सपोंग, हमें भी सब्सक्राइब करें।